शमशाबाद नगर के दर्जनों फल सब्जी विक्रेताओं द्वारा सोमवार को नगर की फल सब्जी दुकानें निश्चितकालीन तक बंद करके जगह बदलने के खिलाफ नारेबाजी कर व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाकर प्रशासन से टीन शेड की दुकान सब्जी फल विक्रेताओं को देने की मांग कर पुराने जगह पर दुकानें लगाने की मांग की है। दरअसल प्रशासन द्वारा नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से रोडों के किनारे लगने वाले फल सब्जी दुकानों को हटाकर दूसरी जगह लगाने का विक्रेताओं को निर्देश दिया है। उसका फल सब्जी विक्रेता अपनी दुकानें बंद करके विरोध कर रहे हैं और साथ ही व्यापारियों द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन देकर दुकानें पुरानी जगह लगाने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। घर से बाजार आया हूँ मैं, घर पर थोड़ा कार्यक्रम था, मेहमान लोग आ रहे हैं, तो यहाँ के पता पड़ा कि फल फ्रूट सब्जी की दुकानें बंद हैं। जिन लोगों की कुछ मांगे हैं तो शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इन लोगों के गरीबों की मांगें जल्द से जल्द मानी जाएं। जो भी आम व्यक्ति मार्केट में परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी दूर हो सके। जो मार्केट बंद हो रही है उसका परेशानी, अब सभी लोग शादी का टाइम आ रहा है, मेहमान लोग आ रहे हैं और गर्मी का टाइम है, फल फ्रूट होना भी ज़रूरी है और सब्जी नहीं होगी तो फिर मैं घर में क्या बनेगा। मार्केट पूरा बंद है, फल सब्जी की दुकानें बंद हैं और सभी लोग अपना अपना इधर आंदोलन होकर कर रहे हैं। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इन लोगों की जल्द से जल्द मांगे मानी जाए। सब्जी और फल विक्रेता हड़ताल पर, दुकानें बंद है। सर इसका कारण ये है कि प्रशासन द्वारा मेला ग्राउंड की जगह बताई गई है फल और सब्जी वालों को, कि जिन सब्जी वालों की दो चार दुकानें हैं स्थायी उन्हें गोडाउन बना दिया जाएगा, आप गोडाउन के रूप में उपयोग करिए और मेला ग्राउंड में जो आपको जगह दी गई है वहाँ पर फल और सब्जी का विक्रय कीजिए। पीछे पुराने बस स्टैंड पर जो फल और ठेले लगे हुए हैं उनका भी बोल रहा है, तो क्या है कि यहाँ मंडी तो है नहीं कि आप एक किलोमीटर दूर मेला ग्राउंड भेज रहे हो। फुटकर व्यापारी हैं, छुटपुट धंधा छुटपुट व्यापार अपना कर रहे हैं और अपना रोज़मर्रा का कारोबार घर गृहस्थी जो भी है संभाल रहे हैं। सर ये विरोध जब तक कि हम या तो जहाँ हैं वहीं रहने दें, हाँ आवागमन में यदि दिक्कत आती है परेशानी आती है तो उस चीज़ को थोड़ा सा हम खुद भी समझेंगे, दबा के या पीछे करके लगा लेंगे, जो अतिक्रमण है उसे हटा दिया जाएगा। अभी फल और सब्जी विक्रेता संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि उनकी जो शिफ्टिंग के लिए हमने चर्चा की थी कि जो पूरे मार्केट में घेरे लगाते हैं जिससे चक्का जाम जाम की स्थिति निर्मित होती है, तो वो उनकी सहमति से मेला ग्राउंड शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन अभी उन्होंने आके बोला है कि उनको टीन शेड आवंटित किए जाए, वहाँ ना शिफ्ट किया जाए, उनकी व्यक्तिगत समस्या है, तो इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे जो भी निर्णय होगा।